तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरा और एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम क्या करते हैं अपने घर पे, तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पे बने रहिए। आज मैं सोच रही हूँ क्या चीज़ का सब्जी बनाऊँ, तो आज समझ में आया कि अभी अरबी का पत्ता का दिन है और काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, और हम लोग का घर में तो काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है अगल बगल में, तो सोची आज इसी का सब्जी बनाया जाए। तो देख सकते हैं इधर कुछ ज़्यादा ही हरा हरा और खिला खिला अरबी के पत्ते दिख रहे हैं। ये गांव में काफ़ी ज़्यादा मिलता है अभी सावन का महीना में, और वो भी खिला खिला और अच्छा अच्छा मार्केट में तो आपको इतना खिला खिला और अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन मम्मी बोली कि अभी वो सब रहने देते हैं जो घर के बगल में है, वो सब पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कल बनाऊंगी। तो मैं बोली ठीक है चलो। तो मम्मी देख रहे हैं, हाथ से नहीं तोड़ रही है, हम लोग इसको कचिया बोलते हैं, उसी से तोड़े, क्योंकि हाथ से तोड़ने से खुजलाना शुरू हो जाता है। तो आप लोग चाकू छुरी कुछ चीज़ लेकर ही तोड़ें। तो अभी पानी डाल के फ्रेश से धो ली है, मम्मी बोल रही है कि तुम वीडियो बनाओ, मैं कट कर रही हूँ। जल्दी जमा करो। तो मम्मी अभी इसका कटिंग करेगी और उसके बाद बनाएगी। मेरे घर में आज पहली बार बन रहा है, वो भी बिल्कुल अलग तरीका से। तो देखिए वीडियो पे बने रहिए और देखिए किस तरह से बनाती है मम्मी। पहले तो मैं अपनी नानी के हाथ से बनाया बनाया हुआ खाई थी, क्योंकि भादर का महीना में हम लोग का इधर कुछ ज़्यादा ही इसका सेवन करते हैं और खाते हैं, और नानी बोलती है इसका साग खाने से अच्छा होता है। तो मम्मी को पता नहीं था कि इसको कैसे बनाता है, फिर भी वो अपने अंदाज से बना रही थी। और इधर मौसम देख सकते हैं काफ़ी सुहाना है, और अभी धान का जो पौधा है अभी बिल्कुल छोटा छोटा है। तो मम्मी इधर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें अभी इसको उबाल लेगी, उबाल के इसको शायद निचोड़ के पानी, उसके बाद इसको छौंका लगाएगी, बिल्कुल सिंपल तरीका से बनाएगी शायद। तो अभी इसको उबलने के लिए छोड़ दिए मम्मी। तो आप लोग कौन कौन अरवी का पत्ता खाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और खाना इसको किसको अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं इधर उबल गया है, और इधर हमारे घर में एक मुर्गी अंडा दी है, और इधर अभी दाना खाने के लिए इन लोग को दिए हैं। इन लोग को घरे में दाना खाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि अभी बारिश में कहाँ जाएगा, और बारिश का मौसम ही काफ़ी सुंदर होता है। देख सकते हैं ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अभी काफ़ी सुहाना मौसम है। तो अभी चलिए देखते हैं, अभी उबल चुका है तो मम्मी इसको निकाल रही है छान के, तो इसी तरह निकाल लेगी। और निकालने के बाद, क्योंकि मम्मी पहली बार बना रही है, इसको पता मम्मी को पता नहीं है, नानी को बहुत अच्छी तरह से पता है, वो हम बचपन में बनाकर मुझे खिलाती थी। तो अभी गई है अचार लाने, बोल रही अचार डालेंगे तो खुजलाएगा नहीं, क्योंकि ये साग खाने से खुजलाहट होती है। तो अभी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दी है और पाँच फड़न भी डाल दी है। पाँच फड़न को चटकारे लगने देते हैं, उसके बाद इधर देख सकते हैं और क्या मसाला रखी है, मिर्चाई है और लहसुन, देख सकते हैं पक गया है बिल्कुल लाल लाल। अब इधर अचार भी लाई है, तो देख सकते हैं ये रहा अचार। खट्टापन दे देने से इसका जो खुजलाहट है वो ख़त्म हो जाएगा, मम्मी का कहना है, लेकिन नानी तो ऐसा कुछ नहीं देती थी। और इधर मिर्चाई भी डाल दी है और इधर लहसुन भी दे दी है, अब इसका छौंका लगाएगी। तो देख सकते हैं मम्मी इसको निचोड़ी भी नहीं पानी को, ऐसे डाल दिए, नानी तो निचोड़ती थी। तो देखते हैं अलग तरीका से बना रही है, खाने में कैसा लगेगा। तो इधर मम्मी अचार डाल दी है, डाल रही है। तो अभी हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो गया, अरबी का पत्ता तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मम्मी बोल रही है बहुत अच्छा बना है।